अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी तरफ से आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन। तो जी, आज का जो भी लोग है जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से है, तो आपने एंड तक वॉच करना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको आगे भी। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा और फुल वॉच करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो जी, ये है एक दिन पहले के क्लिप, चांद रात के क्लिप। तो हम गए हुए थे मार्केट, तो बहुत ही प्यारी उन्होंने मार्केट सजाई हुई थी, मून मार्केट, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। काफ़ी सारे उन्होंने मॉडल्स वहाँ पर बनाए हुए थे। और ये है जी, नेक्स्ट डे आ गया है। अब यहाँ पे हम न्याज पढ़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मंगवा लिए थे समोसे और नमक पारे और शक्कर पारे। हेलो गाइस, और जी यहाँ पे बच्चों ने सारे बॉक्सेस तैयार कर लिए थे। और अनाया और रुबाब को मैं बताती गई और वो पैक करती गई, काफ़ी हेल्प करवाई आज उन्होंने मेरी। तो सारे बच्चे कह रहे थे हमने इस घर जाना है, उस घर जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब सब अपनी अपनी फेवरेट आंटियों के घर चले जाना और दे आना। अब हो गया है जी यहाँ पे रात का टाइम, तो बच्चे कह रहे थे कि अब हमें पापा कहीं घुमाने के लिए लेके चले जाएं, ज़रा भाई रौनक मेला देख आते हैं। तो हम सब अब यहाँ पर निकले हुए, हमने कहा चलो आज डिनर भी बाहर ही करेंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं कजाफी की तरफ। ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत इन्होंने लाइटिंग की हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देख लो जो लाइटें दुकान के लिए लेके आगे भी आएंगे। और जी बच्चों ने पता नहीं अंदर क्या क्या बातें शुरू की हुई थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा कर दिया है फास्ट, ताकि जल्दी से वो क्लिप भी आप देख लें और इंजॉय कर लें साथ साथ। और साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हर तरफ। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हुए हैं डेरा रेस्टोरेंट में। खाने का हमने ऑर्डर दे दिया था, तो उसके बाद बच्चे आ गए यहाँ पे प्ले एरिया में। और यहाँ पे अनाया झूल रही है और रुबाब भी पास खड़ी हुई है। छोटी सी बच्ची झूले में बैठी हुई है। फाइनली रुबाब भी झूलने बैठ गई है, बड़ी मुश्किल से। कह रही थी कि नहीं नहीं मैं बड़ी हूँ, मैं नहीं बैठूंगी। अब यहाँ पे जैनब की स्लाइड पे चक्करों पे चक्कर लग रहे हैं, ये आप मुलाहिजा कीजिए इसके क्लिप्स। और जी खाना हमारा आ गया था बनके। यहाँ पे ये रुबाब और नया ने कोई प्लेटर है वो ऑर्डर किया था, और मेरे हस्बैंड ने किया था यहाँ पे देसी चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी उन्होंने, और मैंने किया था मुगलाई चिकन। तो देखते हैं, हम ट्राई किया है तो कैसा लगा। वैसे हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हुए हैं, बहुत अच्छा खाना होता है इनका, मज़ा आता है इस एटमोसफेयर में बैठ के ना, ज़रा खुले खुले ओपन एरिया में बैठ के मज़ा आता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे खाना भी काफ़ी अच्छा था, भूख भी लगी हुई थी क्योंकि दोपहर को समोसे वगैरह थोड़े बहुत खाए थे, तो अब काफ़ी लेट हो गया था तो काफ़ी भूख लग रही थी। और यहाँ पे ये भाई इतनी प्यारी बीन बजा रहे थे, बीन या बांसुरी आप देख लें क्या कहते हैं इसे। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही, कुछ तो सोच रही हो। आसन तुम बैठ जाओ। बस जी खाना शाने से हम लोग फारिग हो गए थे और बस इधर उधर बस फिर रहे थे। यहाँ पे बहुत प्यारा उन्होंने कुआं भी एक बनाया हुआ था, और एक आंटी यहाँ पे बैठी चाटी की लस्सी भी बना रही थी, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बस जी इसके बाद हम हो गए घर को रवाना, और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।